तेरी जिंदगी को जब याद करता हूँ, आंसुओं के साथ तुझे धन्य कहता हूँ, धन्य कहता हूँ, मैं धन्य कहता हूँ। अब्बा तेरी जय हो, राजा तेरी जय हो, अब्बा तेरी जय हो, राजा तेरी जय हो। मैं अनाथ भटका और खोया हुआ था, मैं अनाथ भटका और खोया हुआ था, ना रोना कह के मुझे गले लगाया, ना रोना कह के मुझे गले लगाया। अब्बा तेरी जय हो, राजा तेरी जय हो। गुजरी जिंदगी को जब याद करता हूँ, आंसुओं के साथ तुझे धन्य कहता हूँ, धन्य कहता हूँ, मैं धन्य कहता हूँ। अब्बा तेरी जय हो, राजा तेरी जय हो, अब्बा तेरी जय हो, राजा तेरी जय हो। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Khama baba rash kanala raba raba nala rathi nala rara raba. Parmeshwar Pita, hum aapka dhanyawad karte hain is bhor ke liye, is samay ke liye. Pita Parmeshwar, hum aapke naam ki mahima aur jijkar karte hain, हम आपके नाम की बड़ाई और आपके नाम की स्तुति करते हैं, क्योंकि आप महान और जीवित खुदा हैं, आप सामर्थ्य और भेयोग्य खुदा हैं। हम आपके नाम की महिमा और आपके नाम की स्तुति करते हैं, क्योंकि आप महान और जीवित खुदा हैं, आप सामर्थ्य और भेयोग्य खुदा हैं, आप हमसे प्रेम करते हैं। हम पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा करते, क्योंकि आपने हमसे प्रेम किया है, आपने हमें छुड़ाया है खतरों से, मुसीबतों से, अंधकार की शक्तियों से, और हमारे जीवन में एक नया दिन, नई भोर, नया किरण आपने हमें दिया। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, हम अनाथ थे, भटके हुए थे, खोए हुए थे, लेकिन प्रभु ने मुझसे और आपसे प्रेम किया और अपना बनाया, अपने सीने से लगाया। इस बात के लिए खुदा का धन्यवाद करें, और अपने दिन की शुरुआत करने से पहले, अपने बिस्तर में से उठने से पहले खुदा का धन्यवाद करें, पिता का धन्यवाद करें, उस महिमा में परमेश्वर का आदर करें जिसने मुझे और आपको अनाथ नहीं छोड़ा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, तू मेरा ही है, मैंने तुझे अपना नाम लेकर बुला लिया है। रिजल्ट, मैंने तेरा नाम लेकर बुलाया है। प्रभु कहते हैं, मत डर, मैंने तुझे छुड़ा लिया है, तू मेरी दृष्टि में अनमोल है। रिजल्ट, 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 प्रभु परमेश्वर कहते हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि एक मां अपने दूध पीते बच्चे पर दया ना करे? हां, ऐसा हो सकता है कि एक मां अपने दूध पीते बच्चे पर दया नहीं करती, उसे भूल जाती है, उसे छोड़कर चली जाती, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं ना तुझे भूलूंगा, ना कभी तुझे त्यागूंगा, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। और देख, मैंने तेरे चेहरे को अपने हथेली पर खोद कर बनाया है, ताकि तेरी सहरपना मेरे सम्मुख बनी रहे, मेरे दृष्टि में बनी रहे। प्रेज द लॉर्ड, सचमुच में मेरे प्रियो, उस प्रेमी खुदा का धन्यवाद करें। सचमुच में हम पापी ही थे कि प्रभु परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस धरती पर भेज दिया, ताकि मुझे और आपको अनाथों से और
हर अंधकार की शक्तियों से, पाप से, अपराध से छुड़ाए, अनाथपन की जिंदगी से हमें एक लेपालक की जिंदगी दे। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए यीशु मसीह ने अपने आप को उस कलवरी क्रूस के ऊपर बलिदान कर दिया। मेरे प्रियो, ऐसे प्रेमी प्रभु को और ऐसे प्रेमी पिता को धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें, जय जयकार करें, ऊंचे स्वरों से उसके नाम की महिमा करें, हाथ खड़े करके नाच गा कर प्रभु की महिमा करें, आराधना करें मेरे प्रियो, क्योंकि उसने मुझे और आपको अनाथ नहीं छोड़ा। प्रभु कहते हैं मैं तेरा साथी हूं, अब से मैं तुम्हें दास नहीं बल्कि तुम्हें मित्र कहूंगा, प्रभु कहता है। प्रेज द लॉर्ड। वो हमारा मित्र है मेरे प्रियो, और मित्र सदा साथ रहता है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, वो हमसे प्रेम करता है और कहता है मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा, तू जहां जाएगा मैं तेरे साथ हो लूंगा, मैं तेरी अगुवाई करूंगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। रबा शंदा रबा नला रबा रीखा नाला राथी नाला रला रबा। प्रभु यीशु आपका धन्यवाद, प्रभु यीशु आपका धन्यवाद, प्रभु यीशु आपका धन्यवाद। पिता परमेश्वर, इस समय में जितने भी मेरे प्रिय भाई बहन प्रार्थना कर रहे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन्हें सामर्थ और पवित्र आत्मा से भर दे, आपके महिमा के बादल उन सारी जगहों को घेरने पाए जहां पर प्रार्थना हो रही है, आपकी पवित्र आत्मा की वर्षा उन जगहों पर होने पाए जहां आपके नाम की महिमा हो रही है। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर, हर एक जनों को पवित्र आत्मा से भर दे, हर एक जन के ऊपर आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उतरने के लिए प्रार्थना करता हूँ, हर एक जन के ऊपर आपके अभिषेक उतरने के लिए प्रार्थना करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आपकी पवित्र आत्मा की वर्षा होने पाए और चंगाई और छुटकारा होने पाए यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर, में प्रार्थना करना चाहता हूँ उन प्रिय भाई बहनों के लिए जो अनाथ हैं, विधवाएं हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह, तूने कभी भी अनाथ नहीं छोड़ेगा, तू कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, और परमेश्वर पिता आप उनसे प्रेम करते, उनकी सुधि लेते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, कई लोग भटक रहे हैं, जिनका रहने के लिए छत नहीं है, जिनको खाने के लिए एक टाइम का भोजन नहीं है, कई ऐसे लोग हैं। प्रभु तूने बचा ले, प्रभु तूने छुड़ा ले, पाप से, अपराध से, अंधकार की शक्तियों से, गरीबी से, लाचारी से तूने छुड़ा ले प्रभु, वो अनाथपन की जिंदगी ना जिए बल्कि लेपालक की जिंदगी जीने वाले बन जाए, तेरे वंश कहलाने पाए, से प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। खा मा बा बा रा 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 शिखा प्रभु यीशु आप उन्हें छू लीजिए और पवित्र आत्मा से भर दीजिए प्रभु। पिता परमेश्वर, आज कई ऐसे लोग हैं जो बेरोजगार हैं प्रभु, जो अनाथों की जिंदगी जी रहे हैं प्रभु, गरीब में जिंदगी जी रहे हैं, बेरोजगारी में, कर्ज में, प्रभु यीशु के नाम से उन्हें कर्ज से आजाद कर दे प्रभु। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें जॉब दीजिए प्रभु, गवर्नमेंट जॉब दीजिए, एक अच्छी जॉब दीजिए, ताकि लाचारी की जिंदगी खत्म हो जाए, बेरोजगारी और कर्ज की जिंदगी खत्म हो जाए, प्रभु यीशु के नाम से। खा मा बाबा रश खनला रबा रबा नला रथी नला रा रबा। प्रभु आप दया करें, पिता आप दया करें, प्रभु आप दया करें और आशीषित करें यीशु मसीह के नाम से, वो चंगाई को और आशीष को प्राप्त करने वाले बन जाए यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर, उनके लिए जॉब का प्रबंध कीजिए, जॉब का प्रबंध कीजिए, जॉब का प्रबंध कीजिए, आशीषित कीजिए प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद खुदा, तूने प्रार्थनाओं को सुना, आदर इज्जत जलाल हम आप ही को देते हैं, सब बातें आपके हाथ में सौंपते हैं मेरे खुदा, मेरे स्वामी। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं प्रियों के लिए पिता परमेश्वर, जिन्होंने एग्जाम दिया है, इंटरव्यू दिया है, प्रभु यीशु के नाम सुने, सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट कीजिए प्रभु। धन्यवाद खुदा, तूने प्रार्थनाओं को सुना, जितने भी पढ़ने वाले बच्चे उनको ज्ञान बुद्धि समझ पवित्र आत्मा दे प्रभु, जो भी नेक्स्ट लेवल में स्टडीज करेंगे प्रभु उनको आशीष दे, जितने भी डिग्री करने के लिए देश विदेश में जगह जगह पर परमेश्वर गए हैं उनको आशीषित कीजिए, फर्स्ट रैंक से पास कीजिए प्रभु यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर, विशेष करके हमारे किसान भाई बहनों को आशीष दे प्रभु, हमारे किसान भाई बहनों की चिंताओं को दूर करे प्रभु,
हमारे किसान भाई बहनों की फसलें अच्छी आने के लिए प्रार्थना करते प्रभु, पिछले साल से बढ़कर परमेश्वर फसल और बारिश होने के लिए प्रार्थना करता, आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे परमेश्वर पिता। पिता परमेश्वर बोने के लिए तू मदद कर प्रभु, खाद बीज का प्रबंध और व्यवस्था कीजिए प्रभु, यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद। खुदा आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, जितने भी जॉब और बिजनेस करते हैं उनको आशीष दे प्रभु, आशीष दे उनके जीवन की सारी कमी घटी को दूर कीजिए पिता, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता, तूने प्रार्थनाओं को सुन लिया, पूरा आदर सम्मान गौरव आपको देते परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं जितने भी आज बीमारी की हालत में है प्रभु, यीशु के नाम में उन्हें चंगाई दीजिए, अभिषेक 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 उतरने के लिए प्रार्थना करता हूं, आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उतरने के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु के नाम से। खामा बाबा राशिखा नलरा रबा, ओ उठ खड़े होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, हड्डी नस नस में बल आ जाए, ताकत आ जाए प्रभु यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर में प्रार्थना करना चाहता हूं जितने भी पिता परमेश्वर बेड पर हैं प्रभु, उन्हें उठाकर खड़ा कीजिए, कैंसर की बीमारी, बवासीर की बीमारी, टीबी और कैंसर की बीमारी पिता परमेश्वर, मिर्गी की और थायराइड की बीमारी, शुगर की बीमारी पिता परमेश्वर, बवासीर की बीमारी प्रभु यीशु के नाम से, जितनी भी बीमारियां प्रभु सब नष्ट होने के लिए प्रार्थना करता हूं, छुटकारे को प्राप्त करे तेरे लोग, आशीष को प्राप्त करे, चंगाई को प्राप्त करे प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से। खामा बाबा रा सिखा ना ला रा 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 बाबा रिखा ना ला रा थी ना ला रा 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 बा, प्रभु यीशु आप दया करें, प्रभु यीशु आप दया करें, प्रभु यीशु के नाम से परमेश्वर चंगाई को प्राप्त करे, हड्डी नस नस में बल को प्राप्त करे, अभिषेक को प्राप्त करे, तेरी सामर्थ्य को प्राप्त करे, तेरे शक्ति को प्राप्त करे पिता परमेश्वर। जो देख नहीं पाते वो देखने लगे, जो सुन नहीं पाते वो सुनने लगे, जो चल नहीं पाते वो चलने लगे पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, गूंगे बोलने लगे परमेश्वर पिता। धन्यवाद खुदा आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, आदर इज्जत जलाल हम आप ही को देते हैं, सब बातें आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना करना चाहता हूँ परमेश्वर उन प्रियों के लिए पिता परमेश्वर, जिनके पास कोई औलाद नहीं है प्रभु यीशु आप रहम कीजिए, तरस खाइए प्रभु, तरस खाइए प्रभु, तू तरस खा परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम से, यीशु के नाम से। बांझपन को दूर कर, नाम धराई को दूर कर, चिंताओं को दूर कर, उनके टेंशन को दूर कर, उनकी गुप्त बीमारी को दूर कर, पति पत्नी को छू लीजिए प्रभु यीशु के नाम से, शरीर में बल आ जाए, ताकत आ जाए, शरीर के एक एक कमजोरी दूर हो जाए, गुप्त बीमारी खत्म हो जाए यीशु के नाम से। पिता मैं प्रार्थना करना चाहता हूं उन्हें, तू औलाद दे प्रभु, तू औलाद दे प्रभु, तू औलाद दे पिता परमेश्वर। धन्यवाद खुदा आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, पूरा आदर और इज्जत जलाल हम आप ही को देते हैं, सब बातें आपके हाथों में सौंपते हैं। जितने भी प्रेगनेंसी में प्रभु उनको आशीष दे, दुख पीड़ाओं में तूने शांति दे, तसल्ली दे, समय पर नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, आशीष दे प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता तूने प्रार्थनाओं को सुना, उन पति पत्नियों के लिए प्रार्थना करते जो पति नशा करके अपनी पत्नी को मारता है परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से उस पति जीवन को बदल दे। उस पत्नी के लिए भी प्रार्थना करते जो लड़ाई झगड़ा करके पिता परमेश्वर दूर है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से पति पत्नी के बीच में प्रेम रहे और एक दूसरे का आदर करे, एक दूसरे के संग मिलकर प्रभु आपकी आराधना करे प्रभु यीशु के नाम से। नशा करने वालों के जीवन को बदल दे, स्मोकिंग करने वाले को जीवन को बदल दे प्रभु यीशु के नाम से परमेश्वर। गलत संगति में जाने वालों के जीवन को बदल दे पिता परमेश्वर। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद राजा आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। जितने भी कोर्ट कचहरी में फंसे प्रभु उनको छुड़ा ले, मदद कर, सहायता और आशीषित कर परमेश्वर। सब प्रकार का कोर्ट का केस खत्म हो जाए। जितने भी जवान पिता परमेश्वर हो चुके उन जवानों के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनका विवाह समय पर होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, रिश्ता जुड़ने के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु के नाम से। सब प्रकार की बाधाएं और रुकावटें खत्म होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, आशीष दे। जितने भी घर बना रहे परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम से, घर बनाने के लिए तू मदद कर, सहायता और आशीष दे परमेश्वर पिता। प्रबंध और व्यवस्था कीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हाँ राजा, हाँ पिता, हाँ स्वामी, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, धन्यवाद। एक बार फिर से जितने भी गरीब में हैं, तकलीफ में हैं, अनाथ और विधवाएं हैं, उन सबको आशीष दीजिए और आशीषित कीजिए प्रभु। धन्यवाद यीशु तूने प्रार्थनाओं को सुना,
पिता परमेश्वर तेरे दास और दास जितने भी आत्मा सब सच्चाई से सेवा करते उनकी सेवकाई को आप बढ़ाइए प्रभु, आशीषित कीजिए। राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु परमेश्वर तो सचमुच में हमसे बहुत प्रेम करता, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। पूरा आदर सम्मान गौरव आपको देते हुए प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के जीवित और अब दिन नाम से मांगते हैं, आमेन। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूं और मैंने तुमको छुड़ा लिया और तेरा नाम लेकर बुला लिया है। इसलिए विश्वास कीजिए और प्रभु में आगे बढ़िए। प्रभु आपको बहुत बहुत ज्यादा आशीष दे, प्रभु में खुश रहें। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।